बस मतलब बस। अब हम कह रहे हैं तो कह ही रहे। What's up? Hey, what's up? What's up? What's up? मेरे प्यारे दिमाग पर पत्थर रखकर बैठे हुए ग्रुप मेंबर्स, अब तक तुम लोग अपने कान में जो कुछ डालकर बैठे हुए थे उसे थोड़ी देर के लिए निकाल लो, क्योंकि मेरे सब्र का बांध टूट चुका है। खून भरी मांग बह चुकी है और गांड मेरी फट चुकी है, और मेरी इस हालत के जिम्मेदार तुम लोग हो। कैसे? तुम्हारे गुड मॉर्निंग, हैप्पी मंडे, उसके साथ साथ आने वाले गेंदे के फूल ना, अब सपने में आने लग गए हैं। रात को सोता हूँ तो डर लगता है कहीं सुबह किसी नए ग्रुप में नाइट कर दिया गया हूँ। जिंदगी हराम हो रखी है और रातें खौफनाक। भैंसी आग, अरे जाई लो उल्लू के पट्ठो, अब इंसान बनो वे इंसान, खुदा का खौफ खाओ, यहाँ तो फोन भी स्मार्ट होने लग गए हैं, तुम कब बनोगे? अगर तुम्हारी जिंदगी में इतना ही वेला टाइम है तो बिग बॉस में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते? और मेरा ये गुस्सा अचानक नहीं है, शुरू शुरू में मैं भी हैप्पी नागपंचमी के मैसेज पे सेम टू यू स्नेक स्नेक कर दिया करता था। आई थॉट इट वाज फॉर आवर ओन गुड। मैंने सारे रिश्तेदारों के बच्चों के हर सो कॉल्ड क्यूट पिक को डाउनलोड किया, उस पर क्यूट सो क्यूट रिप्लाई भी किया, उनके जगने से हगने तक के सारे वीडियोस डाउनलोड, खून के रिश्तों के बीच कभी भी मैंने डेटा की दीवार नहीं आने दी। पर आज सच बोलती हूँ, दोस किड्स आर अननोइंग एंड अगली, UGLY अगली। और वो गोवा जाने के प्लान वाला ग्रुप, एक तो प्लान इतना मेनस्ट्रीम, वो भी 2 साल पहले का बनाया हुआ। गोवा तो गए नहीं, उसके मेंबर्स हर हफ्ते ओ पॉजिटिव ब्लड मांगने लग जाते हैं, खुद को सुभाष चंद्र बोस समझा है क्या? अच्छा जीजाओं और मामाओं ने तो हादी कर रखी है, पहले शादियों पे नाराज हुआ करते थे, अब व्हाट्सएप ग्रुप पे भी नाराज होते हैं। कमाल है, वाह, इनको लगता है कि हमारी लाइफ का ऑब्जेक्टिव है इनको खुश करना। आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग नाराज ही रहिए, एटलीस्ट बाकी लोगों को आपके फालतू पति पत्नी के जोक से आजादी तो मिल जाएगी। और अगर हाय जैसी कोई चीज होती है ना तो तुम्हें ऐसी लगे कि तुम्हारा तलाक भी ना हो। अच्छा एक ग्रुप है ऑफिस का जिसमें ना रहते बनता और ना छोड़ते, छोड़ दूंगा ना तो बोलेंगे वेरी गुड टीम स्पिरिट, और इनके मैसेजेस देखकर रुका नहीं जाता। अबे रात को नंगी लड़कियों की फोटो भेजकर कौन सी टीम स्पिरिट बढ़ाने वाले हो तुम? और ये जो तुम बढ़ा रहे हो ना इसे टीम स्पिरिट तो नहीं कहते। कोई फोन मांग ले ना रूह कांप जाती है, पता नहीं कौन का फोटो भेज दे यार, 70 तो पासवर्ड लगा रखे इस चक्कर में। ऐसे फोटो के चक्कर में ना मामा जी की शादी टूटते टूटते बची है। कहने को तो बहुत कुछ है पर तुम लोग कितना सुन पाओगे? तुम्हारा मोबाइल बीप कर रहा होगा ना। पर मैंने सोच लिया है, मैं सारे चुतियापों को छोड़ के आगे बढ़ रहा हूँ। मुझे रोकने के लिए या सॉरी बोलने के लिए नया ग्रुप बनाने की सोचना भी नहीं, नहीं तो फोन से निकल कर इतना मारूंगा, इतना मारूंगा, इतना मारूंगी। और जाते जाते एक बात, हर फॉरवर्ड मैसेज में सच्चाई नहीं होती, ऊपर वाले ने दिमाग दिया है यूज करो। कोशिश करना कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की वजह व्हाट्सएप ग्रुप्स ना बने, है ना? और बाकी जो है सो आइए है। बाय बाय। ओके बाय बाय। हाय गाइस, यू जस्ट वॉच्ड बीइंग इंडियंस ओपन लेटर टू ऑल द व्हाट्सएप ग्रुप्स, एंड इफ यू रिलेटेड टू इट देन डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक्ड इट एंड देख क्या रहे हो यार, शेयर करो, एंड इफ यू ऑलरेडी शेयर्ड इट कमेंट डाउन बिलो, और अपने व्हाट्सएप के दुख और दर्द हमसे बांटो ना यार, एंड इफ यू लाइक माय कूल टी-शर्ट फॉलो द लिंक बिलो फॉर BI मर्चेंडाइज। बच्चों तुम कुछ भूल रहे हो? We might have forgotten but you do not forget. Subscribe to the most WhatsApp friendly channel BI.